Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a VPN application in Flutter. And in this video, hum hamari application ke kuch issues fix karne wale hai, as well as we will also provide a refresh button here jisse VPN ka data refresh ho jaye. Now you might ask, ऑलरेडी डेटा लोड होने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे रिफ्रेश देख के फिर से डेटा लोड क्यों करना है, एंड जस्ट बैक करने पे भी तो यूज़र का डेटा लोड हो रहा है, देन वाई रिफ्रेश? एक्चुअली फ्रॉम द अपकमिंग वीडियोस और मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस हम लोग थोड़ा बहुत कैशिंग का यूज़ करेंगे, विच मीन्स हम इस VPN डेटा को स्टोर करा देंगे. मैं नहीं चाहता कि यूज़र का हर बार ये डेटा लोड हो, बिकॉज ऑनेस्टली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो हम लोग इसे स्टोरेज में स्टोर करा देंगे, एंड जब एप्लीकेशन ओपन होगी तो हम लोग वो डेटा रिलोड करके दिखा देंगे. डैट्स वाई मैं यहाँ पे रिफ्रेश की फंक्शनैलिटी दे रहा हूँ, एज वेल एज कुछ इश्यूज़ है. लाइक सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इस कोड में एक्चुअली इशू है जब VPN कनेक्टेड होना रेदर देन डिसकनेक्टेड. सो वेन VPN इज कनेक्टेड ना, इन दैट केस सिंपली कॉल दिस स्टॉप VPN, देन ट्राई टू रिकनेक्ट इट. सो अगर आप इन कोड्स को ट्राई करते हो ना, लेट्स से आपने एक VPN कनेक्ट किया, अगर आप इस कार्ड पे क्लिक करके वापस VPN कनेक्ट करोगे, देन पहले VPN स्टॉप होगा, देन वो कनेक्ट का ट्राई करेगा. सो ये लॉजिकली सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि VPN स्टॉप होके कनेक्ट हो जाएगा, बट एक्चुअली नहीं होता. नाउ व्हाई? बिकॉज जब तक ये कोड्स कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होते तब तक ये कोड्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते, और उसकी वजह से काइंड ऑफ VPN डिसकनेक्ट तो हो जाता है, बट वो फिर से कनेक्ट नहीं होता. नाउ हाउ वी कैन फिक्स दिस इशू? ओके, सो वन थिंग इज वी कैन कि जब ये डिसकनेक्ट हो जाए, एक्चुअली डिसकनेक्टिंग में 1 सेकेंड के आसपास का टाइम लगता है. सो अगर मैं इस कोड को अराउंड 2 सेकेंड से डिले कर दूँ, देन इट विल वर्क. एक्चुअली मैंने यहाँ पे अवेट का भी ट्राई किया था, बट इट डिडेंट वर्क. सो वॉट आई कैन डू इज, सो जस्ट ये जो भी कोड्स है इन्हें यहाँ से कट कर लो, एंड आफ्टर डैट ये सिंपली फ्यूचर डॉट डिलेड, एंड यहाँ पे आपको एक ड्यूरेशन देनी पड़ेगी, एंड मैं इसे 2 सेकेंड्स दे रहा हूँ. After that, simply here हम एक function pass कर सकते हैं. So what this function will do is, ये 2 सेकेंड के लिए wait करेगा. After that, ये codes जो भी अंदर लिखे होगी उन्हें execute करेगा. So simply execute these codes and इससे हमारा काम हो जाएगा. Okay, it will fix the issue. You can test it, or else मैं इसे single line में लिख लेता हूँ. Okay, we can do it like that too, just like this. Okay, जिससे थोड़े से neat लगे, and actually it is refreshing because मैंने control save press किया है. And it is loaded. Now, अगर आप इन flags को ध्यान से observe करोगे ना, actually Korea का flag कुछ space consume कर रहा है, Thailand का थोड़ा सा ज़्यादा space consume कर रहा है, इतना पता नहीं चल रहा. But if you observe United States ना, you will see United States का flag काफ़ी ज़्यादा width consume कर रहा है. So actually ये एक UI का issue है. So how we can fix it? So simply just go here, and after that what I can do is, जहाँ पे हमारा फ्लैग वाला स्टफ है, दिस वन, यहाँ पे मैं विड्थ स्पेसिफाई करूँगा. मैं इसे हार्ड कोडेड नहीं रख रहा, मैं MQ की मदद से लेट से जो भी डिवाइस की 15% विड्थ हो ना, उतनी प्रोवाइड कर दूंगा. एंड नाउ इट इज़ अगेन रीलोडिंग, सो लेट्स बी पेशेंट. ओके, एंड नाउ यू विल सी सारे फ्लैग्स एक्यूरेटली सेम स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं. एंड इफ यू वॉन्ट आप इस विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू. नाउ द नेक्स्ट इशू, एंड द नेक्स्ट इशू इज दैट आर टाइमर. सो लेट्स से मैं किसी VPN पे कनेक्ट करता हूँ, यू विल सी टाइमर स्टार्ट हो चुका, बट लॉजिकली वॉट शुड हैपन, जब VPN कनेक्ट होना देन ओनली दिस टाइमर शुड स्टॉप. एंड एक्चुअली अगर VPN डिसकनेक्ट भी हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली ड्यू टू सम रीजन्स टाइमर स्टॉप नहीं होता, इट कीप गोइंग. ओके, सो वी नीड टू फिक्स इट. नाउ हाउ वी कैन फिक्स इट? एंड इफ़ वी मूव टू आर होम कंट्रोलर, एक्चुअली हमने टाइमर के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना के रखा है जो टाइमर के स्टेट को स्टोर करके रखता है, बट एक्चुअली हमें ऐसे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पे कोई सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा जिससे हमारा ये वेरिएबल का वर्क हट जाएगा. सो हमें उसे स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं करना पड़ेगा. सो मैं इसे जस्ट रिमूव कर रहा हूँ, एंड यू विल सी कि यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कि टाइमर जैसा कुछ नहीं है. ओके, वी कैन जस्ट रिमूव इट. देन यू विल थिंक कि हम इसे कैसे सेट करेंगे, जस्ट बी पेशेंट. ओके, सो सिंपली हियर, एंड यहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे हम टाइमर की वैल्यू ले रहे हैं, मैं यहाँ पे चेक करूँगा कंट्रोलर डॉट VPN स्टेट डॉट वैल्यू, एंड इज इक्वल टू VPN इंजिन एंड VPN कनेक्टेड. सो अगर VPN कनेक्टेड हो देन ओनली दिस टाइमर शुड स्टार्ट, एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक कंडीशन, एंड इससे हमारा टाइमर का जो भी इशू है वो ठीक हो जाता है, बिकॉज अगर स्टेट चेंज भी हुआ तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा. नाउ इफ आई क्लिक ऑन इट, यू विल सी टाइमर हैज़ नॉट स्टार्टेड.
एंड नाउ VPN कनेक्ट हो चुका है एंड यू विल सी टाइमर स्टार्ट हो चुका है। मुझे उसे स्टॉप करने के लिए भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। सो हमने हमारा एक और इशू फिक्स किया। नाउ द वेरी लास्ट वन, यहाँ पे हमें एक रिफ्रेश का बटन चाहिए। सो सिंपली मूव टू आर लोकेशन स्क्रीन एंड यहाँ पे मुझे एक्चुअली एक रिफ्रेश का बटन चाहिए। सो मैं फ्लोटिंग बटन का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, सो फॉर नाउ ये जो भी कंट्रोलर डॉट गेट डेटा है ना, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ना वाई। एक्चुअली मैं नहीं चाहता डेटा बार बार रिफ्रेश होता जाए। ओके, सो सिंपली कंट्रोल सेव एंड यहाँ पे मैंने सिंपली कमेंट लिखी है रिफ्रेश बटन एंड इट विल बी आर फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड आई एम यूजिंग फ्लोटिंग एक्शन बटन। ओके, यहाँ पे बहुत सारे वर्जन है एक्चुअली फ्लोटिंग एक्शन बटन के। अगर आपको आइकन के साथ चाहिए देन आप आइकन के साथ ले सकते हो, एक्सटेंडेड वन, स्मॉलर वन, लार्ज वन। मुझे नॉर्मल चाहिए जो सर्कुलर हो, सो डैट्स वाई मैं सिंपली इसे यूज़ कर रहा हूँ। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे जो भी चाइल्ड होगा एक्चुअली मैं एक आइकन यूज़ करूँगा एंड एक्चुअली वो आइकन क्यूपरचिनो आइकन्स में एग्जिस्ट करती है। सो क्यूपरचिनो आइकन्स डॉट एंड सिंपली रिफ्रेश। ओके, आई लाइक दिस आइकन, दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट एंड सिंपली प्रेस कंट्रोल सेव एंड यू विल सी यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आ चुका है। इफ़ यू वॉन्ट आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो। ओके, फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन एंड यहाँ पे काफ़ी सारी लोकेशंस है एंड विथ इमेज दे हैव शोन के इन लोकेशन का एक्यूरेट मीनिंग क्या है। सो इफ़ यू जस्ट सी सेंटर डॉट यहाँ पे होगा फ्लोट, यू कैन जस्ट सी वेयर इट इज़ लोकेटेड। सो अगर मैं सेंटर फ्लोट कर देता हूँ ना एंड इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव यू विल सी ये यहाँ पे आ जाता है, बट आई डोंट वॉन्ट इट हियर, हमारे लिए यहीं पे ठीक है। सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंड इफ़ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली यू विल रियलाइज ये बटन स्क्रीन के एक्चुअली बहुत क्लोज है। ओके, मुझे इतना क्लोज नहीं चाहिए। सो वॉट आई एम गोना डू इज मैं इसके आसपास पैडिंग रैप कर दूंगा एंड मैं इसे बताने वाला हूँ मुझे कितनी पैडिंग चाहिए। सो यहाँ पे मैं ओनली लिखूंगा, विच मीन्स मैं खुद बताना चाहता हूँ वो कितने साइड से कितनी होनी चाहिए। एंड आफ्टर डैट सिंपली बॉटम से लेट से 10 dp की या 10 pixels की एंड राइट से भी 10 pixels की। एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव यू विल सी वो बटन थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ओके, एंड दैट लुक्स अ बिट बेटर। इफ़ यू वॉन्ट आप इस वैल्यू को 20 करके देख सकते हो, यू विल सी बटन और ऊपर आ जाएगा, बट फॉर नाउ 10 इज़ ओके फॉर मी। ओके, एंड That's it. Okay, so now the next thing is functionality. We want to provide functionality to this floating action button. Now how we can do that? So actually we just need to call this data. Okay, and it will do the work. So main se uncomment kar leta hu because we will require it in build as well as I'm just gonna copy it and after that एक्चुअली ये जहाँ पे भी है मैं उन कोड्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहूँगा। सो लोकेशन कंट्रोलर एंड दिस इज एक्चुअल स्टफ एंड नाउ वॉट आई वॉन्ट इज जब आप न्यू VPN का डेटा ले रहे हो ना, इन दैट केस जो भी ओल्ड डेटा है सिंपली क्लियर इट आउट। वॉट दिस क्लियर विल डू इज वो सारा डेटा रिमूव कर देगा एंड उसके बाद वो न्यू डेटा फेच करेगा एंड दैट्स इट। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव टू आर लोकेशन स्क्रीन एंड सिंपली इनसाइड दिस ऑन प्रेस मैं उन कोड्स को पेस्ट कर दूंगा एंड इट विल डू द वर्क। नाउ इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव और आई कैन राइट इट इन सिंगल लाइन ऑल्सो लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, एंड नाउ इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश ना यू विल सी इट इज़ अगेन लोडिंग द VPN डेटा, विच मीन्स वी हैव सक्सेसफुली प्रोवाइडेड द फंक्शनैलिटी टू दिस रिफ्रेश बटन एंड दैट्स इट। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट कैशिंग एंड उसके लिए हम लोग हाइव डेटाबेस का यूज़ करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।